हेलो एवरीवन गाइस गाइस, आज के सेशन में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 न्यू सिलेबस पे जो भी आधारित होने वाला है, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस और लिक्विड स्टेट, ये पूरा के पूरा डिटेल में लेक्चर देखने वाले हैं। इसमें आपका स्टूडेंट्स बोर्ड्स के साथ साथ एमएसटी सीईटी की भी तैयारी होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से हम शुरू करते हैं, विच इज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री का, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस एंड लिक्विड। सबसे पहले अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट है। हम सभी को पता है कि मैटर जो होते हैं वो मेनली तीन स्टेट्स के होते हैं, ठीक है। कौन से स्टेट्स के बोलना भैया? महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, वैसा वाला स्टेट नहीं मेरे लाला। जो भी मैटर होते हैं वो होगा एक तो सॉलिड में होगा, या फिर वो होगा भाई साहब एक तो लिक्विड में, या फिर वो होगा विच इज गैशियस में। और स्टूडेंट्स हम सभी को पता है इफ वी चेंज सम ऑफ द पैरामीटर्स, मतलब कि अगर अपन ने कुछ चेंजेस कर दिए पैरामीटर्स में, पैरामीटर्स इन द सेंस कि अगर सपोज कोई सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, अगर सपोज कोई सॉलिड स्टेट में है और उस सॉलिड स्टेट को भैया को लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन करना है, तो यहाँ पे मेरे को हीट देना पड़ेगा। और उसी लिक्विड स्टेट को अगर मेरे को सॉलिड में कन्वर्जन करना है तो मेरे को यहाँ पे हीट को कम करना पड़ेगा, मतलब कि माइनस डेल्टा करना पड़ेगा मेरे को। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, हम स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स रहेंगे। पैरामीटर्स मतलब कि हम एक तो उस पे प्रेशर चेंज करेंगे, ठीक है, एक तो हम क्या करेंगे विच इज बच्चा लोग, हम एक तो प्रेशर चेंज करेंगे या फिर उसका जो भी है विच इज टेम्परेचर चेंज करेंगे, ठीक है। प्रेशर चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं हम। इन सभी चीजों को अगर चेंज करेंगे स्टूडेंट्स तो जाहिर सी बात है जो हमारा सॉलिड स्टेट है वो सॉलिड स्टेट हमारा लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा और लिक्विड का हो जाएगा गैसियस में, वाइस वर्सा। तो हमको कहीं ना कहीं ये चीज तो क्लियर हो गई है कि मैटर के जो होते हैं विच इज तीन स्टेट्स होते हैं, एक होता है भाई साहब जी सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैशियस। और हम सभी स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम ऑफ द पैरामीटर्स, जैसे कि प्रेशर और टेम्परेचर के मदद से। अभी स्टूडेंट्स सबसे मेन मेन चीजें ये हमेशा ध्यान में रखना है। अगर इसका हम एक आधा एग्जाम्पल ले ले तो आइस जो होता है स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है आइस जो बर्फ होता है, आइस, तो आइस जो होता है उसको अगर हमने सम सॉर्ट ऑफ हीट प्रोवाइड कर दिया तो आइस का जो हो जाएगा विच इज वाटर लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा। और उसी वाटर लिक्विड को अगर अपन ने और थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया तो वो वेपर्स में कन्वर्जन हो जाएगा। अगर हमने उसी प्रकार से हीट को कम कर दिया तो वो वाटर में कन्वर्जन हो जाएगा, और हीट को अगर भैया ने कम कर दिया तो जो होगा विच इज आइस में कन्वर्जन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं नीचे जो है विच इज कूल लिख रहा हूँ, कूल मतलब कि क्या, मैं ठंडा कर रहा हूँ, और ऊपर जो है वो मैं डेल्टा दे रहा हूँ, डेल्टा मतलब कि भैया ने यहाँ पे हीट दे दिया है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि आइस का अगर अपने को वाटर में कन्वर्जन करना है तो जाहिर सी बात है अपने को हीट देना पड़ेगा, वाटर का वेपर में कन्वर्जन करना है हीट और उसका वाइस वर्सा। अभी स्टूडेंट्स जो भी अपना सॉलिड है, लिक्विड है, गैशियस है, इन सॉलिड लिक्विड गैशियस के मतलब कि क्या क्या चीजें होती है वो हमको चेक करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम सॉलिड की बात करें, ठीक से ध्यान देंगे सभी के सभी, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अरेंजमेंट्स इनमें जो होता है वो टाइटली हेल्ड होता है, मतलब कि सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो पूरे के पूरे एकदम टाइटली बाउंड होंगे। टाइटली बाउंड मतलब कि एक दूसरे से एकदम, उसके अंदर के जो भी मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एकदम क्लोज्ड होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी एक अपना मोबाइल ले लो या फिर कोई भी जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, टैब देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, तो स्टूडेंट्स उसमें से आपका जो भी हाथ है वो आर पार आप नहीं कर सकते हो। आर पार इन द सेंस कि मतलब एक साइड से डालोगे तो दूसरे साइड से नहीं निकलेगा आपका हाथ। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि स्टूडेंट्स सॉलिड में जो होते हैं वो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो फिक्स पोजिशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स इनके पास होगा डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम, मतलब कि इनका शेप भी डेफिनाइट होगा, एट द सेम टाइम इनका वॉल्यूम भी डेफिनाइट होगा, ठीक है। देन इसके अंदर जो भी इंटरमोलिकुलर स्पेस होगी, इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब कि इनके अंदर जो भी जगह होगी, अभी जाहिर सी बात है यार, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी सॉलिड ले लिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे जो भी है विच इज सॉलिड ले लिया है, सपोज फॉर एग्जाम्पल बेटा इफ आई हैव टेकन हियर एनी ऑफ द सॉलिड, ठीक है, तो ये है सपोज मेरा सॉलिड, तो इस सॉलिड के अंदर स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है जो भी मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। तो अभी क्लोजली पैक्ड होने के कारण क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूलर
क्या बोलते हैं अपन, स्पेस होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, वो स्पेस बहुत ज्यादा कम होगा या फिर होगा ही नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस पे जो भी टेम्परेचर वगैरह होगा तो टेम्परेचर का ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके वॉल्यूम को। तो ये भी पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि सॉलिड पे जो भी होता है टेम्परेचर जब भी चेंज होगा तो वॉल्यूम में उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और स्टूडेंट्स सॉलिड जो होता है वो नॉन कंप्रेसेबल होता है, मतलब कि सॉलिड को अपन कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट इज नॉन कंप्रेसेबल, मतलब कि सॉलिड को भाई साहब जी अपन क्या नहीं कर सकते, विच इज कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, दबा के अपन उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल ले लो यार, मोबाइल को आप आपके हाथों से दबा के देखो, ठीक है, मोबाइल को आप आपके हाथों से दबा के देखो तो मोबाइल थोड़ी ना मतलब दबने वाला है, कंप्रेस होने वाला है। उसी प्रकार से भाई साहब अगर हम लिक्विड पे जाए स्टूडेंट्स, तो लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड जो होते हैं वो ज्यादा क्लोज तो नहीं लेकिन लूजली पैक होते हैं एक दूसरे से एज कंपेयर टू सॉलिड। उनके बीच में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा 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 उनके बीच में गैप होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। इनके पास स्टूडेंट्स डेफिनेट शेप तो नहीं होता है, लेकिन हाँ इनके पास जो भी होता है विच इज कंटेनर का वो शेप एक्यूपाई कर सकते हैं और उसी कंटेनर का वॉल्यूम होता है, मतलब कि इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप बट इट हैज द वॉल्यूम। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लिक्विड सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, लिक्विड मैटर की बात कर रहा हूँ, लिक्विड स्टेट की बात कर रहा हूँ। इसके इसके ऊपर स्टूडेंट्स वॉल्यूम का ज्यादा सॉरी टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, जैसे मैंने बोला था कि टेम्परेचर का सॉलिड पे कुछ कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर का थोड़ा फार इफेक्ट गिरने वाला है लिक्विड पे। ये थोड़ा सा कंप्रेसेबल होता है, मतलब कि लिक्विड जो है उसको हम थोड़ा सा दबा सकते हैं, दबाव में डाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम गैसियस में जाए स्टूडेंट्स, तो इनका जो मीन सेपरेशन है मतलब कि सेपरेशन करने का, तो वो है 5 एम्स्ट्राडॉन, ठीक है। सो पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड, मतलब कि इतना ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होता है, बहुत दूर दूर तक होते हैं गैसियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, हम सभी को पता है हम एकदम रैंडम से हाथ इधर उधर घुमा सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि जो भी एयर मॉलिक्यूल्स है, जो भी एयर के अंदर जो भी हवा है, जो भी चीजें है, तो वो बहुत ज्यादा दूर दूर है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर दूर है और हम इजीली अपना हाथ वगैरह इधर उधर घुमा सकते हैं। स्टूडेंट्स इसका टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, एक प्रकार से हम कह सकते हैं इन द गैशियस स्टेट, फॉर द गैशियस स्टेट। और स्टूडेंट्स ये हाईली कंप्रेसेबल होता है, मतलब कि गैशियस को अपन एकदम आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो चीजें थी, ये सभी की सभी चीजें जो थी ये आपकी बेसिक टर्म्स थे, ठीक है। दिस आर द बेसिक टर्म्स जो कि आपको मालूमात चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, तो आई होप आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट वाले पे जाएंगे स्टूडेंट्स, जो भी क्या बोलते हैं हम विच इज स्टेट्स होते हैं, जो भी स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। मतलब कि उनके अंदर के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और उन एक दूसरे को जोड़ने का काम कौन करता है पता है आपको? एक दूसरे को जोड़ने का काम कौन करता है? दे आर द इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। तो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज आर अट्रैक्टिव फोर्सेज एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। याद रखना हमेशा कि भाई साहब जो भी अपना इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं, मतलब कि इंटर मतलब कि एक दूसरे और मॉलिक्यूलर तो मतलब कि एक दूसरे के मॉलिक्यूल के अंदर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स। तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स मतलब कि क्या है? विच इज अट्रैक्टिव फोर्स। इंटर मॉलिकुलर फोर्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव फोर्स, मतलब कि इन दोनों के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा एट द सेम वे स्टूडेंट्स विच इज रिपल्सिव फोर्स भी होगा, राइट। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। और स्टूडेंट्स जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, ठीक है, मैटर के जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, विच इज वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें ऑफ व्हाट बच्चा लोग, इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? विच इज अगर हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, राइट, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बाद होता है वेपर प्रेशर, फिर उसके बाद होता है विस्कोसिटी। आई होप आपको विस्कोसिटी मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आगे समझ जाएगा आपको विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी मतलब कि स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लिक्विड में होता है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। फिर इवेपोरेशन, फिर सरफेस टेंशन वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें स्टूडेंट्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से होता है, ठीक है। मतलब कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में कैसे होते हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ 5 प्रकार है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, 4 प्रकार है, 5 प्रकार है,
जो भी पहला प्रकार है उसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, जो कि मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, फिर आयोन डाइपोल इंटरैक्शन, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये सभी के सभी फोर्सेस इस पर्टिकुलर पार्ट में हम कवर करेंगे। एट द सेम टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस भी हम कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ध्यान देना है। सबसे पहला कौन सा आता है, विच इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज, व्हाट इज मीन बाय डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन? आखिर जो ये जो यहाँ पे लिखा गया है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन मतलब क्या? स्टूडेंट्स, डाइपोल मतलब कि दो पोल, ठीक है, डाई और पोल। तो डाइपोल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, विच इज टू पोल्स, राइट? डाइपोल्स मतलब कि टू पोल्स। अभी स्टूडेंट जाहिर सी बात है, ज्योग्राफी नहीं है तो इसकी वजह से यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल तो भैया लिख नहीं सकते, है कि नहीं? तो डाइपोल्स मतलब कि एक पॉजिटिव मॉलिक्यूल और एक नेगेटिव मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, जब भी एक पॉजिटिव मॉलिक्यूल और एक नेगेटिव मॉलिक्यूल के बीच में जब भी बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं डाइपोल। और स्टूडेंट्स, इसी डाइपोल को हम और एक नाम देते हैं, विच इज पोलार मॉलिक्यूल्स। पोलार मॉलिक्यूल्स मतलब कि क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे सभी जन। पोलार मॉलिक्यूल्स मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि पॉजिटिव चार्जेस एट द सेम टाइम नेगेटिव चार्जेस के वजह से बने हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो स्टूडेंट्स, HF मॉलिक्यूल, ठीक है, HF मॉलिक्यूल विच इज हाइड्रोजन और फ्लोराइड। तो HF मॉलिक्यूल जो होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे H मॉलिक्यूल लिखूं हाइड्रोजन और यहाँ पे F लिखूं, तो दोनों की जो भी वैलेंसी होती है वो वैलेंसी एक होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो होगा, विच इज एरो मैं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये इस प्रकार से एरो करूंगा। हम सभी को पता है जो भी हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पे मैं पार्शियल पॉजिटिव डालूंगा, और जो भी मेरा फ्लोरीन होता है वो पार्शियल नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना है, पॉजिटिव से नेगेटिव के पास हमेशा ये एरो पॉइंट करेगा, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट में हमेशा ध्यान में रखना है, डाइपोल में क्या होगा, डाइपोल मतलब कि दो पोल, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि पोलर मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, ठीक है। पोलर मतलब कि जो अलग अलग चार्जेस के बॉन्ड बनाएंगे वो वाले। अभी स्टूडेंट जैसे हाइड्रोजन है और एफ है, ठीक है, अगर हम देखे गए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ ये डायरेक्शन करेगा, और स्टूडेंट्स बीच में ऐसा क्रॉस दे देना, ठीक है। तो ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये एरो, ठीक है, ये जो सिंबल दिख रहा है ये एरो, और यहाँ पे ये जो क्रॉस है, इस सिंबल को हम कहते हैं लिविस क्रॉस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिविस क्रॉस स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर लिविस क्रॉस एरो भी हम इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ये इंडिकेट करता है कि वो जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से तो जा रहा है नेगेटिव चार्ज की तरफ वो जा रहा है। अभी स्टूडेंट्स इसका सिंपल हमको फॉर्मूला दिया है, जो भी डाइपोल होता है स्टूडेंट्स उसको म्यू से हम दिखाते हैं, ठीक है। जो भी डाइपोल होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, उसको हम म्यू से दिखाते हैं, इसको हम म्यू कहते हैं, ठीक है, इसको हम म्यू से दिखाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा विच इज म्यू इक्वल्स टू, अभी स्टूडेंट्स आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे चार्जेस दिख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो म्यू इक्वल्स टू क्यू, क्यू क्यू स्टैंड्स फॉर चार्जेस इन टू। अभी स्टूडेंट्स यहां से हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहे हैं, तो म्यू इक्वल्स टू एच एफ मतलब कि म्यू इक्वल्स टू एच से हम जा रहे हैं एफ के तरफ पे, तो मतलब कि ये रेडियस हो गया या फिर डिस्टेंस हो गया, तो उसी को हम क्यू इंटू आर कहेंगे। तो हमारा जो भी डाइपोल होने वाला है वो डाइपोल का फॉर्मूला होने वाला है क्यू इंटू आर, और इस डाइपोल का यूनिट होता है जो कि एक साइंटिस्ट ने निकाला था इसको, तो उसका नाम था डी बाय, उसका सरनेम जो था उसका नाम, उसका सरनेम जो था वो डी बाय था। तो उसका जो भी डाइपोल का यूनिट होने वाला है, तो डाइपोल का यूनिट होने वाला है विच इज डी बाय। आया सबको समझ में? बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। सो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बस इतना ध्यान में रखना है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं जो कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। डाइपोल मतलब कि दो पोल्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, जिनको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एच एफ मॉलिक्यूल ले लिया या फिर एच सी एल मॉलिक्यूल ले लिया, जो भी आप मॉलिक्यूल लो, तो उसका जो होगा विच इज उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसको हम लिविस क्रॉस स्ट्रक्चर की तरफ से हम उसको बताएंगे। और एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, लिविस क्रॉस स्ट्रक्चर जो होने वाला है उसका जो भी यूनिट होने वाला है डाइपोल का, जिसको हम म्यू से इंडिकेट करते हैं, दैट विल बी डी बाय।
ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट वन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड आई होप आपको सभी चीजें एकदम अच्छे से समझ गई होगी. स्टूडेंट्स इनके बीच में देखो, यहाँ पे आप एकदम साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी एक भी नेगेटिव नहीं है. ठीक है, ये सब्सटेंस में देखो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर है. तो प्रोपेन में स्टूडेंट्स एक भी नेगेटिव नहीं है. ठीक है, ज्यादा नेगेटिव कोई भी नहीं है, तो इसकी वजह से जो भी डायपोल मोमेंट है वो 0.1 है. यहाँ पे देखो ऑक्सीजन आया, थोड़ा सा नेगेटिव आया तो 1.3 हो गया, मतलब डायपोल मोमेंट बढ़ गया. मतलब जितना नेगेटिविटी बढ़ेगा उतना डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, याद रखना. फिर CHCl3 आ गया, ठीक है, 1 क्लोरोमीथेन, तो 1 क्लोरोमीथेन को 1.9 हो गया देखो डायपोल. और फिर CHCN आ गया, ठीक है, ये CN मतलब साइनाइड ग्रुप होता है. ठीक है, CN मतलब साइनाइड ग्रुप होता है. जब मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14-15 चैप्टर में आपको सिखाऊंगा तब एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो ये जो CN होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है सबसे ज्यादा, तो इसके वजह से इसका डायपोल हो जाएगा 3.9. आई होप आपको स्टूडेंट समझ गया होगा विच इज डायपोल डायपोल मूवमेंट. अभी बच्चा लोग हम जो नेक्स्ट टर्म पे जाने वाले हैं उसको हम कहते हैं आयोन डायपोल मूवमेंट. ठीक है, आपको इसके डेफिनेशन से ही समझ गया होगा कि आयोन डायपोल मूवमेंट क्या होता है. स्टूडेंट्स आयंस तो आप सभी को पता है, आयंस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो दो प्रकार के होते हैं. ठीक है, आयंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चा लोग? आयंस 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 आर ऑफ टू टाइप्स, विच इज एक होता है भाई साहब जी अपना कैटायन और एक होता है एनायन. मतलब कि जाहिर सी बात है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा, एक देगा एक लेगा, है कि नहीं? एक देगा एक लेगा, वैसे वाले चीजें होने वाली है. तो स्टूडेंट्स तो ये तो हो गया आयन का. अभी स्टूडेंट्स डायपोल, डायपोल मतलब कि ऐसा जो पॉजिटिव चार्ज भी होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज भी होता है. आयन मतलब कि क्या? जिसके पास एक तो बस कैटायन होगा नहीं तो एनायन होगा. और डायपोल मतलब कि स्टूडेंट्स जो कि ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे. तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होने वाला है उसको हम बोलते हैं आयोन डाइपोल इंटरेक्शन. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सोडियम ले लू, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सोडियम ले लू तो स्टूडेंट्स सोडियम जो है ना, सोडियम है मेरा आयन, यस और नो? जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, जो कैटायन बन के बैठा है, सोडियम जो है वो है मेरा आयन. अभी स्टूडेंट्स ये जो आयन है ना, इस आयन को अपने को कोई भी एक डाइपोल मॉलिक्यूल के साथ जोड़ देने का. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है वाटर के साथ. वाटर ये डायपोल मॉलिक्यूल है क्योंकि वाटर का जो ओ होता है वो नेगेटिव होता है और जो भी एच होता है वो एच होने वाला है विच इज मेरा पॉजिटिव वाला. तो मैंने यहाँ पे जो है उसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ मैंने जोड़ दिया है विच इज H2O. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एच 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 एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच, ठीक है, और यहाँ पे भी एच और यहाँ पे भी एच. तो हो गया क्या स्टूडेंट्स? ये आयन हो गया. और ये वाले जो है, ये वाले जो मेरे दिख रहे हैं आपको, दिस आर द डाइपोल वन, यस और नो? ये वाले जो होंगे ये मेरे होंगे डाइपोल. अभी आप बोलोगे भैया डाइपोल कैसे? मैंने अभी तो आपको बताया डाइपोल मतलब कि क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये हो जाएगा भाई साहब जी मेरा डाइपोल. तो आयन और डाइपोल के बीच में यहाँ पे जो इंटरैक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो इंटरैक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं आयोन डाइपोल इंटरैक्शन. समझा सभी को? यस एवरीवन. और स्टूडेंट्स इनका हमेशा रिएक्टिविटी ध्यान में रखना, इनकी हमेशा रिएक्टिविटी ध्यान में रखना कि सबसे ज्यादा आयोन डाइपोल मूवमेंट कौन करने वाला है, वो रिएक्टिविटी इनका हमेशा ध्यान में रखना. ठीक है, यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, एकदम अच्छे से ध्यान में रखो. विच इज सबसे ज्यादा जो होगा, विच इज सोडियम के बाद सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा मैग्नीशियम, और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा एल्यूमिनियम का. तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना. ये क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इसके ऊपर, सोडियम के ऊपर प्लस, बस 1+ चार्ज होता है, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, और एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 चार्ज. आया सबको समझ में? तो इसके वजह से सबसे ज्यादा तो जो स्ट्रेंथ होगा वो होगा एल्यूमिनियम के पास. क्लियर एवरीवन? आई होप यहां तक आपको समझ गया होगा. फिर स्टूडेंट्स इसके बाद जो हम आ रहे हैं वो आ रहे हैं थर्ड वाले पे. थर्ड वाला जो होता है उसको हम कहते हैं डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? विच इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. ठीक है, आई होप आपको दोनों चीजें समझ गए होंगे, डाइपोल डाइपोल. अच्छा क्यों चल रहा है वो तो समझ रहा है ना?
कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, उनके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं। तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो डाइपोल डाइपोल करेगा, एक पॉजिटिव होगा दोनों बाकी का जो होगा मतलब कि एक आयन होगा और दूसरा डाइपोल वाला होगा तो वो कैसे इंटरेक्शन करेगा, और जो थर्ड वाला है वो है विच इज डाइपोल वाला। अभी स्टूडेंट्स डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में क्या होता है, जो भी एक पोलार मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो भी एक पोलार मॉलिक्यूल होता है मतलब कि पोलार मतलब कि कौन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है, तो वो जो पोलार मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलार मॉलिक्यूल को बोलता है कि तू भी पोलार बन जा कुछ समय के लिए। मतलब कि ये जो पोलार मॉलिक्यूल है, ये पोलार मॉलिक्यूल जो नॉन पोलार मॉलिक्यूल है, सपोज फॉर एग्जांपल बेंजीन C6H6 जो कि नॉन पोलार है, जिसमें एक ही टाइप के ये होते हैं, क्या बोलते हैं अपन, चार्जेस होते हैं नॉन पोलार, तो उसको वो बोलता है कि तू भी पोलार बन जा। और ये जो नॉन पोलार होता है ये नॉन पोलार बन जाता है पोलार, मतलब कि बेंजीन भी कुछ समय के लिए पोलार बन जाता है, कुछ समय के लिए, ठीक है, टेम्पररी चार्ज होता है ये, ठीक है, इसको हम एज अ टेम्पररी डाइपोल्स भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एज अ टेम्पररी डाइपोल, ठीक है, टेम्पररी डाइपोल भी हम इसको कहते हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पररी डाइपोल्स। तो ये जो टेम्पररी डाइपोल्स होते हैं, ठीक है, तो मतलब वो क्या करते हैं, जो पोलार मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो वो पोलार मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जैसे वाटर वगैरह जो होंगे पोलार मॉलिक्यूल्स, वो पोलार मॉलिक्यूल्स नॉन पोलार मॉलिक्यूल जैसे कि बेंजीन वगैरह, उनको बोलेंगे कि आप कुछ समय के लिए, थोड़े देर के लिए क्या बन जाओ, पोलार बन जाओ, उसको हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड मतलब कि उसको इंड्यूस करा कि नहीं भाई तू बन, तू मेरे जैसा बन, और वो आप सभी को पता है कि भाई थोड़ा सा फंस जाता होगा बेंजीन, बेचारा शांत शांत रहता है बेंजीन, C6H6 वाला नॉर्मल सा बंदा है, तो उसको लगा कि चल भाई थोड़े देर के लिए बन जाते हैं, और वो थोड़े देर के लिए बनने के बाद, जब जैसे ही वो थोड़े देर से बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं विच इज टेम्पररी डाइपोल, ठीक है, परमानेंट नहीं होते ये टेम्पररी होते हैं। तो इसके मदद से अपन ने विच इज है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल भी कवर कर दिया है, और स्टूडेंट्स आयोन डाइपोल भी आई होप आपको समझ गया होगा। अभी जो आपको जाना है विच इज फोर्थ वाले पे जाना है, जो कि मेरा फेमस वाला है या फिर मेरे को बहुत पसंद है ये, इसको हम कहते हैं लंडन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, आप बोलोगे भैया लंडन तो सिटी का नाम है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में यहाँ पे जो लंडन आया है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है, सरनेम, तो इसको हम बोलेंगे लंडन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, विच इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो बहुत सिंपल सा है ये टर्म वैसे, सो लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो होता है स्टूडेंट्स, ये होता है मन में लड्डू फूटने वाला फोर्स, ठीक है, ये कौन सा होता है, मन में क्या फूटता है स्टूडेंट्स, विच इज लड्डू फूटने वाला फोर्स, तो इसको हम कहते हैं मन में लड्डू फूटने वाला फोर्स। क्यों स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, होता क्या है स्टूडेंट्स, ठीक से सुनना, ये सीईटी में पूछा जाता है, होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, आप आपके घर वालों के साथ कहीं रास्ते से जा रहे हैं, और आपने अचानक एक सुंदर कन्याओं को देखा, ठीक है, आपने अचानक एक सुंदर कन्या को देखा, ठीक है, तो होता क्या है स्टूडेंट्स, कुछ समय का आपका उनके साथ अट्रैक्शन होता है, यस, आंख मिलती है, आंखों से आंख, ठीक है, नैन के पेज, ठीक है, जो भी है, तो आप कुछ समय के लिए उनके साथ विच इज आंखों में आंखों मिला देते हो, और कुछ समय के लिए क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, विच इज अट्रैक्शन हो जाता है, राइट, लेकिन फिर जैसे ही अपने घर वाले बोलते हैं, पापा मम्मी बोलते हैं चल भाई जाने का है घर पे, ड्रेस वगैरह खरीद लिया, आप क्या करते हो, सीधे आते हो घर पे आ जाते हो, और घर पे आने के बाद आपको मालूम भी नहीं होता है कि भाई वो कौन था क्या थी, ये आपको मालूम भी नहीं होता है, बट स्टिल आप उनके बारे में थोड़ा सा अट्रैक्शन फील करते हो, है ना, तो वो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन ये रियल लव नहीं होता है, हम सभी को जैसे पता है, तो कुछ समय के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब कुछ समय के लिए आपने उसको देखा और मन में लड्डू फूटा, और फिर बाद में घर पे आ गए, और उस फोर्स का आपसे अभी वास्तविक जीवन में आपका और उसका कोई भी संबंध नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं विच इज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और इस लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को हम वेंडर वॉल फोर्सेस के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेंडर वॉल फोर्सेस, वी है
वेंडर वॉल फोर्सेस के नाम से भी इनको जाने जाते हैं। वेंडर वॉल फोर्सेस ये सबसे ज्यादा वीक फोर्स होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, सबसे ज्यादा वीक फोर्स मतलब तुरंत ये फोर्स टूट जाता है। जाहिर सी बात है यार, आपके और इसके बीच में थोड़ी ना, मतलब आप ए और बी के बीच में थोड़ी ना कुछ अट्रैक्शन होने वाला है, राहुल और नेहा के बीच में थोड़ी ना कुछ ज्यादा अट्रैक्शन होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि भाई वो ज्यादा मिले नहीं है, एक दूसरे को कभी मिले नहीं है, बस देखा और बात खत्म हो गई। तो वो होता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें दिया है। इन केस ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ इनर्ट गैसेस ओनली डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट, मतलब कि जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट होंगे। और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये एक जर्मन का साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रिट्स लंदन, 1980 में इस फोर्स को नाम दिया वेंडर वॉल फोर्सेस। और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, याद रखना सभी जन। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट फोर्सेस एवर, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल O2 ले लो, CO2 ले लो, N2 ले लो, हेलोजन ले लो, मिथेन गैस ले लो, हेलियम ले लो, नोबल गैसेस ले लो, ये सभी जन जो होते हैं विच इज वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे दू तो विच इज ऑक्सीजन ले लो। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन में दोनों के दोनों माइनस होंगे, फिर उसके बाद CO2 ले लो, दोनों के दोनों माइनस होंगे, फिर उसके बाद N2 ले लो, राइट? तो ये सभी के सभी जो होते हैं स्टूडेंट्स, इन ये नॉन पोलर है। ठीक है, दिस ऑल आर वॉर्ड बच्चा लोग, दिस ऑल आर नॉन पोलर। तो स्टूडेंट्स, नॉन पोलर होने के कारण स्टूडेंट्स इनके बीच में वीक वेंडर वॉल फोर्सेस होंगे, वीक फोर्सेस होंगे, एंड दैट वीक फोर्सेस इज नोन एज वेंडर वॉल फोर्सेस। आया सबको समझ में? बहुत ही सिंपल सा है, इतना ही बस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हम फिफ्थ वाले पे जाने वाले हैं स्टूडेंट्स, हाँ, और एक चीज ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, जो भी वेंडर वॉल फोर्सेस होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? जिसका एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, मतलब कि एरिया अगर ज्यादा, ठीक है, एरिया अगर ज्यादा होगा तो स्टूडेंट्स वेंडर वॉल फोर्सेस भी ज्यादा होगा। ठीक है, वेंडर वॉल फोर्सेस भी क्या होगा? वेंडर वॉल फोर्सेस भी ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अगर देख रहे हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे सेम ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये साइक्लिक वाला है और ये नॉन साइक्लिक वाला है। तो स्टूडेंट्स इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो 309 है, मतलब 309 है, और इसका कितना है? 287, 282 है। तो ये क्यों हुआ स्टूडेंट्स? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और इसका कम क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है एरिया ज्यादा है, दिख रहा है आपको, ये ऐसा लंबा चौड़ा है, और यहाँ पे जो एरिया है ये एरिया ऐसे कम इसमें फैला हुआ है एज कम्पेयर टू अगर हम उसकी विथ देखें तो। स्टूडेंट्स इससे हमको ये समझता है कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो वेंडर वॉल फोर्सेस भी क्या होंगे, विच इज ज्यादा होने वाले हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ गया होगा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, विच इज मन में लड्डू फूटने वाला। और स्टूडेंट्स हाँ, इसकी पीडीएफ फाइल अगर आपको एक्सेस लेना है तो नीचे भैया ने टेलीग्राम की लिंक दिया है, तो उस टेलीग्राम के लिंक पे आ जाना है। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टर्म दैट वी हैव विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत सिंपल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ठीक है, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो एक स्पेशल प्रकार का, 2 मिनट पानी पी रहा हूं, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है विच ऑकर्स वेन अ हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब कि जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन का ही एक प्रकार है। और स्टूडेंट्स वो तब होता है जब हाइड्रोजन कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, 2 मिनट, जस्ट वी आर गोइंग टू विटनेस नन अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स अपन? वी आर गोइंग टू चेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा है वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है स्टूडेंट्स वो हम इंडिकेट करते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से। ठीक
ठीक है, वी आर इंडिकेटेड एज अ डॉटेड लाइन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम कोई भी कंपाउंड में बता रहे हैं तो वो अपन डॉटेड लाइन से बताते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एच एफ मॉलिक्यूल ले लूँ, ठीक है, अगर मैं कौन सा मॉलिक्यूल ले लूँ, एच एफ मॉलिक्यूल, तो ये है एच, ये है एफ, हम सभी को पता है, ये होगा पार्शियल पॉजिटिव, ये होगा पार्शियल नेगेटिव। अभी ये जो एच एफ मॉलिक्यूल है, ये दूसरे एच के साथ वापस से बॉन्डिंग करेगा, ये वापस पॉजिटिव, और ये वापस एफ वाला जो होगा ये वापस नेगेटिव, वापस यहाँ पे डॉट होगा, तो ये होगा एच और ये होगा एफ। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना है, तो ये जो डॉटेड लाइंस जो दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे जो मैंने जो डॉटेड लाइंस बताए हैं, दिस डॉटेड लाइंस आर नथिंग बट दे आर दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन के वजह से उन मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, उन मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग हो रही है, तो इसके वजह से इसको हम कहेंगे विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आ गया सबको समझ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो ये एच एफ मॉलिक्यूल में होता है, एच टू ओ मॉलिक्यूल में भी होता है, एट द सेम टाइम NH3 में, ठीक है। मोर एग्जाम्पल्स, विच इज NH3 में होता है, H2O में भी ये होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, इसको हम कहेंगे विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जोड़ता है, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन कनेक्ट्स विथ, ठीक है, हाइड्रोजन कनेक्ट्स विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, व्हेन हाइड्रोजन कनेक्ट्स विथ इलेक्ट्रो नेगेटिव, व्हिच इज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसको हम कहते हैं व्हिच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम जाए विच इज इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी पे, ठीक है, दोनों को अगर हम रिलेट करें, ठीक है, विच इज थर्मल एनर्जी और किसको, थर्मल एनर्जी, व्हाट वी आर गोइंग टू विटनेस, विच इज थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, और हम अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स को देखें, तो जाहिर सी बात है विच इज यहाँ पे है गैस, गैस का क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज फॉर एग्जाम्पल गैस का हो गया लिक्विड, और फिर उसी लिक्विड का हो गया विच इज वॉट, सॉलिड, ठीक है। सो दिस इज द गैस, दिस इज द लिक्विड एंड दिस इज द सॉलिड, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसमें ज्यादा होंगे, मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें एक दूसरे के साथ क्लोज होंगे, तो वो गैशियस में कम होंगे, लिक्विड में ज्यादा होंगे, और उससे ज्यादा होंगे विच इज सॉलिड में। तो ये क्या है, लेकिन दिस आर द इंटरमोलिकुलर फोर्स, याद रखना, दिस आर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, हीट कम कम भी होते जा रही है, तो मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन जो भी मेरी थर्मल एनर्जी है, जो भी मेरी कौन सी एनर्जी है, विच इज थर्मल एनर्जी, वो थर्मल एनर्जी मेरी कम होगी। क्यों कम होगी स्टूडेंट्स? क्योंकि ठंडा होते जा रहा है ना। देखो गैस से लिक्विड में कब होता है, जब हम उसको कूल करते हैं, फिर लिक्विड से सॉलिड में कब होता है, जब हम कूल करते हैं, तो कूल करें मतलब थर्मल एनर्जी, थर्मल मतलब क्या, थर्मल मतलब क्या, विच इज हीट। तो अगर हम कूल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारी जो हीट होगी वो हीट हमारी क्या होने वाली है, विच इज कम होने वाली है। आया सबको समझ में? तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैरा में वही चीजें दिया है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और जो भी अपना थर्मल एनर्जी है, वो थर्मल एनर्जी एक दूसरे के साथ कब रिलेट करते हैं, जब स्टूडेंट्स हीट कम हो जाएगी, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम थर्मल एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, ये थे आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में सभी के सभी इंफॉर्मेशन। इसके जो भी नोट्स वगैरह होंगे स्टूडेंट्स, वो आपको जरूर मिलने वाले हैं, आप जरूर विच इज टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर देना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर टेलीग्राम पे कभी कभी लिंक भी काम नहीं करती है स्टूडेंट्स, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना स्टेट बोर्ड वाले भैया, तो वहां पे आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट वाले पे आएंगे स्टूडेंट्स हम, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ गैशियस, मतलब कि गैशियस के कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। उससे पहले एयर, व्हाट इज मीन बाय एयर। तो एयर में स्टूडेंट जैसे हम सभी को पता है सबसे ज्यादा जो होता है एयर में नाइट्रोजन होता है अबाउट 78%, ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है, बाकी के जो 0.03% होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें होते हैं। तो ये चीजें आपको मालूम है, बचपन से आप देखते आ रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो गैसेस आर लाइटर देन सॉलिड एंड लिक्विड, गैस जो होते हैं वो हल्के होते हैं सॉलिड से और लिक्विड से, ये हम सभी को पता है, मतलब कि उनकी डेंसिटी कम होती है। गैसेस डू नॉट पोजेस अ फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब कि गैसेस के पास ना वॉल्यूम होता है ना ही शेप होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि सॉलिड के पास डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं होता है बट उसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और गैस ये ऐसी चीज है जिसके पास ना डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, सो डेंसिटी से रिलेटेड होता है वॉल्यूम, जैसे हम सभी को बताया डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो वाला। नाउ गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड एंड आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, मतलब कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा सेपरेट किया जाता है, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं और वो एक दूसरे से कोलिजन करते हैं उनके वॉल्स पे, मतलब कि अगर अपन एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर गैस को भरा है तो उनके अंदर के जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से कब टकराएंगे, जब वो एक दूसरे के वॉल्स पे जाके टकराएंगे, मतलब टकरा वॉल पे टकराएंगे और फिर आने के बाद एक दूसरे से टकराएंगे, वो वाली चीज है। फिर फोर्थ वाला, इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस के केस में इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा वीक होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि इधर इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस देखो सबसे कम है और सॉलिड में सबसे ज्यादा है, राइट। सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटर मॉलिकुलर फोर्स और लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा कम है, तो वो चीजें हैं कि भाई इनके अंदर जो भी इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। गैसेस पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन व्हेन व्हिच इज स्पॉन्टेनियस होमोजेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस, मतलब कि स्टूडेंट्स गैसेस के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग गैसेस क्या होते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अपने एटमोस्फेयर है, अपने एटमोस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन नियॉन वगैरह वगैरह बहुत सारे गैसेस है, तो दैट ऑल द गैसेस आर वेरी मच मिक्सअप विद ईच अदर, तो होमोजीनियस मतलब अपने को तभी भी तकलीफ नहीं होती है उसकी, तो इसके वजह से वो होगा। गैस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो हाईली कंप्रेसेबल होते हैं, कंप्रेसेबल मतलब कि कंप्रेस किया जा सकता है उसको, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, विच इज कंप्रेस किया जा सकता है, तो वो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। नाउ हमको अभी आना है विच इज मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस पे। द मास एम, मतलब कि गैसेस को भी मास होता है, तो जो भी मास होता है उसको अपन एज अ एम से बताते हैं, डिनोट करते हैं, और ये एक क्वांटिटी है मैटर की, मतलब कि मैटर मतलब कि तीन स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस, तो हम उसको गिनते हैं उसमें, और जो भी ऐसा यूनिट होता है मास का वो होता है विच इज किलोग्राम केजी। ठीक है, सो द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम विच इज केजी, एंड इट इज 1 केजी कितना होता है भाई, 10.3 या फिर 10^3 क्या ग्राम्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम मोल्स पे जाए स्टूडेंट्स तो हम सभी को पता है मोल्स इज नथिंग बट इट इज मास अपॉन मोलार मास, और जब अपने को मोल्स मिल जाता है तो अपन उसको क्या करते हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हम गैसेस के ढूंढेंगे तो हमको मास अपॉन मोलार मास करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर हम वॉल्यूम पे जाए स्टूडेंट्स तो बस वॉल्यूम का बस इतना ध्यान में रखना कि वॉल्यूम जो है उसको हम वी से बताते हैं। ठीक है, ये बस टर्म्स दिए हैं गैसेस से रिलेटेड, सो वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स वो वी से बताते हैं, उसको अपन अलग अलग यूनिट्स होते हैं उसके, मिलीलीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, मीटर क्यूब है, डेसीमीटर है विच इज डीएम क्यूब हम जिसको कहते हैं, क्यूबिक मीटर है विच इज एम क्यूब जिसको हम कहते हैं, और लीटर है। तो 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml होता है, और 1000 ml होता है 1000 cm³, और 1000 cm³ होता है 1 dm³, तो जाहिर सी बात है 1 लीटर मतलब कि 1 dm³। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम प्रेशर पे आए तो प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो हम सभी को पता है, और प्रेशर को हम एज अ पास्कल में गिनते हैं, पास्कल मतलब कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि जब भी भैया पास्कल बोलेंगे प्रेशर के टाइम पे एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि
फोर्स जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को जो होता है विच इज अपन न्यूटन में गिनते हैं, और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में। तो एरिया मतलब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो होता है उसको ही अपन एक टर्म बोलते हैं पास्कल। ये साइंटिस्ट का नाम था वैसे बेसिकली, जैसे न्यूटन कैसा नाम है तभी भी फोर्स का यूनिट है, उस प्रकार से। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। 180 m इक्वल्स टू 76 cm ऑफ Hg, और 760 मतलब कि एक एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 mm होता है मर्क्यूरी का। कितना? 760 mm होता है मर्क्यूरी का। नेक्स्ट वाले पे जाएंगे विच इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो आप सभी को पता है भाई कि जो भी टेम्परेचर होता है, सो टेम्परेचर ये अपन केल्विन में गिनते हैं, और हम सभी को पता है कि एक केल्विन जो होता है मतलब कि डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में टेम्परेचर केल्विन में चेंज करने का है अपने को, मतलब कि सपोज अगर 25 डिग्री को अपने को केल्विन में चेंज करने का है तो उसको 273.15 से प्लस करना पड़ेगा। मतलब कि अगर 25 डिग्री है उस 25 डिग्री को अगर आपको केल्विन में चेक करना है कि केल्विन में कितना होगा, तो उस 25 डिग्री सेल्सियस को आपको 273.15 के साथ प्लस करो तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद रही बात डेंसिटी की स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी को अपन रो से दिखाते हैं। रो रो इक्वल्स टू एम अपॉन वी विच इज मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपको फिजिक्स में भी हो गया होगा, ठीक है, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका जो भी विच इज क्या बोलते हैं अपन यूनिट होगा, तो मास जो होगा वो केजी में, और वॉल्यूम जो होगा वो मीटर क्यूब होगा। सो इट विल बी केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर। लास्ट टॉपिक है विच इज डिफ्यूजन। फिर गैस लॉ जो होगा वो अगले पार्ट में हम पूरे के पूरे गैसेस लॉ देखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स डिफ्यूजन, इन केस ऑफ गैसेस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू और मोर गैसेस इज मेजर्ड। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है विच इज वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज और टाइम रिक्वायर्ड टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि भाई कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में से गैस बाहर जाना, तो वो कितना गैस, कितना वॉल्यूम ऑफ गैस बाहर निकला और कितने समय में निकला, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज गैस अपॉन उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, समझ रहे हो, तो उसको हम कहते हैं विच इज डिफ्यूजन। और स्टूडेंट्स इसको हम बताते हैं, वॉल्यूम को हम गिनते हैं सपोज डीएम क्यूब में, डीएम क्यूब पर सेकेंड, टाइम मतलब कि सेकेंड में। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड टिल ईयर। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट एकदम अच्छे से समझा होगा। इसके अगर बच्चा लोग आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स जो होंगे वो पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। एंड यस बच्चा लोग मेरी भी हेल्प हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। अगर आप नए होंगे और अभी पहली बार ये लेक्चर पूरा देख रहे होंगे, बीच में मैंने आपको कभी बोला नहीं, लेकिन हाँ अगर आपको कॉन्टेंट अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर यार चैनल को नीचे सब्सक्राइब करना है। वी आर वेरी क्लोज टू हिट अवर 15,000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। ये जब वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो बहुत जल्दी हमारे कुछ 400-500 सब्सक्राइबर्स बच्चे हैं 15,000 सब्सक्राइबर्स पार होने के लिए। सो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, अगर हो सके तो भाई अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है, फ्री कंटेंट है। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स शाह कोचिंग क्लासेस ऐप है, वहां पे भी आपको पूरा के पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो अपना खुद का एक ऐप है, शाह कोचिंग क्लासेस बोल के ऐप है, तो आप वहां पे भी जाके इस पर्टिकुलर नोट्स और इस पर्टिकुलर वीडियो को एकदम अच्छे से वापस एक बार देख सकते हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। इसका पार्ट टू बहुत जल्दी आने वाला है, जो कि डिपेंड करेगा पूरे के पूरे गैसेस लॉ तक, ठीक है। तो तब तक यार मिलते हैं स्टूडेंट्स, सो टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन। हाथी भैया, ठीक है, हाथी भैया अपना कांस्टेंट है, आप सभी को पता है, ठीक है। एंड यस स्टूडेंट्स डू शेयर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू, सो दैट मुझे समझेगा हाँ भाई आपको सभी चीजें समझ रही है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स भाई, अच्छा लगे तो ही करना, ठीक है, नहीं लगे तो भाई डिसलाइक करके भाग जाना, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, फोड़ो मचाओ बेला, चाओ, बाय।